दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट लगाने वाला हूँ अपनी डिस्कवर 100M में। और इस प्रोजेक्टर का रिव्यू मैंने पहले ही कर दिया है और ऐसे दो प्रोजेक्टर का गिव अवे भी चालू है। अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है गिव अवे में तो पार्टिसिपेट कर लीजिए। यहाँ कहीं ऊपर वीडियो की लिंक पॉपअप हो रही होगी तो वहाँ से आपको इसका रिव्यू और गिव अवे की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस प्रोजेक्टर को लगाने के लिए सबसे पहले बाइक के मास्क को बाइक से अलग कर लेते हैं। और दोस्तों इस प्रोजेक्टर को लगाने के लिए हेडलाइट को मास्क से अलग करना पड़ेगा और हेडलाइट के कांच को भी खोलना पड़ेगा क्योंकि प्रोजेक्टर स्टॉक बल्ब से काफ़ी बड़ा है तो डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हेडलाइट बाहर आ जाएगी। और अब जो हेडलाइट का कांच है इसको हमको अलग करना पड़ेगा। तो इसको बहुत ही सावधानी से करें क्योंकि इसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप इसको अच्छे से नहीं निकालेंगे। तो पहले आप सारे लॉक्स को खोल लें जो भी आपकी हेडलाइट में दिए हुए हों, फिर इसको आराम से निकालें आप। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कांच को पहले से निकाल लिया है और जो प्रोजेक्टर है वो कुछ इस तरीके से लगेगा। ये पीछे वाला हिस्सा खुल जाता है और यहाँ से आप वायर डाल के इस पीछे वाले हिस्से को वापस से प्रोजेक्टर में कस सकते हैं। तो चलिए इसको पूरा करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं वायरिंग की। तो वायरिंग आपको ब्लैक वायर को ब्लैक से जोड़ देना है, रेड वायर को आपको डिपर में जोड़ना है और येल्लो को आपको अपर में जोड़ना है। तो इससे प्रोजेक्टर के चारों मोड चालू हो जाएंगे और आप लाइट ऑन ऑफ स्विच को टॉगल करके अलग अलग मोड को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों सारी फिटिंग्स हो गई हैं। अब मास्क को बाइक में वापस से लगा देते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा लगता है ये डे एंड नाइट दोनों कंडीशंस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की बाइक से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।